हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। बट यार, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। यार मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है। पहले जहाँ मैं वीक में दो वीडियोस डालता था, फिर धीरे धीरे वीक में एक वीडियो आने लगी, और अब यार 15 दिन हो जाते हैं वीडियो डाले हुए। तो यार इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है यार कि एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं मेरे, और यार पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के कारण टाइम कम मिल पाता है, और इसी लैक ऑफ टाइम के कारण वीडियोज़ लेट होती है। और यार जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते यार वीडियोज़ लेट होंगी, मैं कुछ कर नहीं सकता यार। तो यार आप सपोर्ट करते रहो यार, और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस थोड़ी और जल्दी बनाई जाए, लेकिन कोशिश ही कर सकता हूँ यार, और कुछ कर नहीं सकता मैं अभी, एग्ज़ाम्स जब तक है तब तक। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, एक लास्ट बॉल थ्रिलर वाली वीडियो जो अभी आई बटन में दिख रही है, वो यार बहुत कम लोगों ने देखा यार। उस पर मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने उस पर कमेंट्री करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मात्र 300 लोगों ने देखा अब तक, और वो एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ही कम व्यू गए हैं उसके। तो उस वीडियो को देखो यार जो भी लोगों ने नहीं देखा, और यार ऑनेस्ट फीडबैक दो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, बुरा लगा तो डिसलाइक करो, और कमेंट में बताओ यार कि क्या ख़राब लगा उस वीडियो में। हालांकि वो ख़राब वीडियो थी नहीं, वो एक गेम प्ले थी, और एक बहुत ही अच्छा गेम प्ले था, वो लास्ट बॉल क्लियर वो मैच था। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और ये वीडियो के एंड में भी वो वीडियो आता है यार, तो उसे ज़रूर देख लो, काफ़ी अच्छा वीडियो था और काफ़ी इंटरटेनिंग गेम प्ले थी वो। तो इन सब बातों को ख़त्म करते हुए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Rich nigga bankroll। तो इस वीडियो में बात करूंगा फास्ट बॉलिंग के ट्रिक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरऑल बॉलिंग के बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहली जो बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा बॉलिंग के बारे में, वो ये है कि कोई भी बॉल सेफ नहीं है इस गेम में, हर बॉल को मारा जा सकता है, और कोई भी एक ऐसा बॉल नहीं है कि आप वो डाले जा रहे हैं लगातार और बैट्समैन बीट करा जा रहा है। वो छोटे लेवल पर होता था, लेकिन अगर आप एक अच्छे लेवल का प्लेयर हैं तो ये आपको पता हो कि ये बहुत ही मुश्किल है ऐसा कर पाना। तो यार सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है अच्छी बॉलिंग करने के लिए, वो है वेरिएशन। अगर आप बॉल को वेरी कर सकते हो, एक ही टप्पे से अलग अलग तरह के गेंदे डाल सकते हैं, तो आप एक अच्छे बॉलर बन सकते हैं। आपको बस बैट्समैन को कन्फ्यूज करना है, और इस गेम में स्पिनर्स और फास्टर दोनों के पास भरपूर वेरिएशन है, दोनों काफ़ी अच्छा वेरी कर सकते हैं गेम को, एक ही टप्पे से अलग अलग तरह के गेंद डाल सकते हैं। लेकिन मैं यार पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि फास्ट बॉलर से बॉलिंग करो, क्योंकि यार प्रॉब्लम ये है कि स्पिनर्स के केस में आप काफ़ी सारे वेरिएशंस को एक ही शॉट से टैकल कर सकते हैं, लेकिन फास्टर के केस में ऐसा नहीं है। फास्टर के केस में अगर थोड़ा सा गेंद वेरी हुआ तो आप एक पार्टिकुलर शॉट से दोनों गेंद को खेल सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा वो। लेकिन स्पिनर्स के केस में वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, दोनों गेंदों को एक ही शॉट से 6 के लिए भेजा सकता है। तो इस वजह से मैं फास्ट बॉलर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और मैं खुद 5 फास्ट बॉलर से खेलता हूँ। और फास्ट बॉलर्स में ही अगर आप गेंद को शॉर्ट रख के वैरी करते हो, तभी आप बच सकते हो यार मोस्ट प्रोबेबली। तो हम बात करते हैं फास्ट बॉलर के ट्रिक्स के बारे में, और फास्ट बॉलर के शॉर्ट बॉल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने 3 ऐसे स्पॉट चूज किए जहाँ से बॉलिंग करना फास्ट बॉलर के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो उस 3 स्पॉट से ही मैं बात करूँगा अलग अलग वेरिएशंस के बारे में। तो सबसे पहला जो स्पॉट मैंने चूज़ किया है वो है वाइड आउटसाइड ऑफ से शॉर्ट बॉलिंग। तो आइए उस पर बात करते हैं। तो इस स्पॉट से सबसे पहली जो बॉल है वो है कटर बॉल। हालांकि इस बॉल को आसानी से खेला जा सकता है अपर कट या फुल शॉट, लेकिन इसके बाद जो बॉल बताने वाला हूँ जो रिवर्सिंग बॉल है, अगर उसके साथ इस बॉल को आप मिक्स करके वेरी करते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव बॉलिंग की जा सकती है। तो उसी स्पॉट से ये सेम गेंद सेम स्विंग और सेम स्पीड के साथ आप करें, ये एक रिवर्सिंग बॉल है और ये बहुत ही कम बाउंस देती है, तो ये दोनों बॉल को अगर आप मिक्स करते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। इसके बाद सेम स्पॉट से मैं 2 बॉल और बता रहा हूँ, हालांकि ये दोनों बॉल काफ़ी इजी है, अगर आप सही टाइमिंग के साथ पुल कर देते हैं तो आसानी से 6 जा सकता है, इसलिए इन दोनों बॉल को आप बीच बीच में यूज़ करें। तो ये एक लेग कटर बॉल थी जो सीधे बॉडी पे जाके लगेगी, और एक अगली गेंद आप उसी स्पॉट से एक रिवर्स स्विंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा बैट्समैन के मन में। तो ये एक रिवर्सिंग बॉल, ये कम बाउंस होगा और स्विंग भी नहीं होगा, तो बैट्समैन आसानी से कन्फ्यूज कर सकता है। और ये एक आखिरी बॉल, ये एक रिवर्सिंग बॉल है, इसे आप उस स्पॉट से थोड़ा सा और नीचे जाके करें, मतलब ट्रूली शॉर्ट बॉल रिवर्सिंग होगा, तो इसे पुल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और इसे भी आप बीच में मिक्स कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे स्पॉट की ओर, देखते हैं वहाँ से क्या वेरिएशन पॉसिबल है। तो ये है स्टंप लाइन, स्टंप लाइन से बॉल डालना है आपको, शॉर्ट बॉल ही डालना है। तो देखते हैं यहाँ से क्या क्या वेरिएशन पॉसिबल है। तो जो पहली बॉल है वो एकदम अंपायर के टोपी के पास से कटर बॉल है, कटर बॉल डालना है जो कि बहुत ज़्यादा बाउंस करेगा। हालांकि इस बॉल को भी हिट करना काफ़ी आसान है, आसानी से 6 मारे जा सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं आता है ये बॉल खेलना, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आई बटन में दिख रहा है, तो उस वीडियो पर जाके आप सीख सकते हैं।
दूसरा जो बॉल है वो एकदम उसी स्पॉट से है, और ये बॉल आप रिवर्स स्विंग डाल सकते हैं, ये एकदम कम बाउंस करेगा, सीधा रहेगा, नीचे रहेगा, और इस पर बैट्समैन कन्फ्यूज कर सकता है आसानी से इन दोनों बॉल पे। थर्ड जो बॉल है वो एकदम इसी स्पॉट से आप आउटस्विंग डाल सकते हैं, वो बॉल ऑब्वियसली आउटस्विंग करेगा, और इन तीनों बॉल को मिक्स करके आप एक बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं और बैट्समैन काफ़ी कन्फ्यूज हो सकता है। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के थर्ड और लास्ट सेक्शन में, इसमें मैं बात करूंगा नेगेटिव बॉलिंग के बारे में। और अगर आपने अब तक वीडियो को देखा है तो लास्ट तक देखिएगा, तो उसमें मैं एक मैसेज भी देना चाहूंगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहली जो बॉल है वो एकदम अंपायर के टोपी से जो एंगल बन रहा है वहाँ पे आपको स्लोअर बॉल डालनी है, और अगर आप इस स्पॉट से थोड़ा भी भटके तो बॉल वाइड चली जाएगी। ये काफ़ी अच्छा नेगेटिव बॉल है, इसमें बैट्समैन काफ़ी कन्फ्यूज होता है, वो ना तो पुल कर पाता है ना ही स्ट्रेट खेल पाता है। तो अगली जो बॉल है उसके लिए थोड़ा सा और आपको लेग साइड में आना है और वहाँ से ऑफ कटर बॉल डाल दी है। हालाँकि ये बॉल काफ़ी लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया, मे भी कुछ लोगों को अगर नहीं पता हो तो। तो अब हम आ चुके हैं आखिरी बॉल की ओर, ये बॉल सेम स्पॉट से रिवर्स स्विंग बॉल है, ये बॉल वाइड होता है, लेकिन काफ़ी बार बैट्समैन पीछे आकर इस बॉल को खेल जाता है और वो कुछ नहीं मार पाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपको बॉलिंग से ज़्यादा माइंड गेम खेलना होगा और सारी वेरिएशन को सही से यूज़ करना होगा, तभी आप अच्छी बॉलिंग कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो, और अब मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर तो आप अच्छे लेवल के हैं तो आपको नेगेटिव बॉलिंग या पॉजिटिव बॉलिंग से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अभी तक आप गोल्ड या प्लेटिनम लीग में खेल रहे हैं तो नेगेटिव बॉलिंग काफ़ी इरिटेट करता है यार। तो मैं यही कहूँगा कि नेगेटिव बॉलिंग ना ही करें तो बेटर है। पहले जो मैंने दो बॉलिंग ट्रिक्स बताई वो काफ़ी बेटर है और काफ़ी अच्छी है, तो आप उसे यूज़ करें। नेगेटिव बॉलिंग काफ़ी इरिटेट करता है बैट्समैन को, तो मैं नेगेटिव बॉलिंग प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी आप अगर बहुत ज़्यादा रन दे रहे हों तो उस समय आप नेगेटिव बॉलिंग का यूज़ कर सकते हैं कुछ हद तक आप बचने के लिए। तो इसी के साथ आ चुका है वीडियो का एंड, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल और शेयर करें अपने दोस्तों को, और हम मिलते हैं आपसे एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ।